बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य शो डिवाइंड में। और आज हम स्पेशल वीडियो जो हमारी ग्रेजुएशन वाली हम बता रहे थे आपको BA कहाँ से करें, ये इस वीडियो का ये थर्ड पार्ट है, यानी तीसरा वीडियो है हमारा कि हमें ग्रेजुएशन कहाँ से करनी चाहिए। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा था लास्ट में, तो इग्नू पे मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो होगा हमारा स्पेशल वो जामिया पे है। ठीक है, मैंने SOL DU NCVAB और जितना भी था सब बता दिया है, इग्नू से रिलेटेड बातें बता दी है, जामिया से रिलेटेड बातें बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जामिया जो इसका पूरा नाम है जामिया मिलिया और इस्लामिया, यानी इसका पूरा नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, ये जो है ये जामिया जो है दो मोड में कोर्स कराती है अपने। पहला मोड तो इसका रेगुलर मोड है, ठीक है। दूसरा मोड जो है इसका वो है ओपन से। तो रेगुलर की अगर हम बात करते हैं, आप ध्यान से सुनो मेरी बातों को, तो इसका रेगुलर वाला सिस्टम थोड़ा सा बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है। अलग कैसे है, जैसे DU वगैरह है, जब 12th का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद लगभग प्रोसेस शुरू होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, या फिर देश में कई सारी यूनिवर्सिटी है उनका रिजल्ट के बाद प्रोसेस शुरू होता है। बट ये जो जामिया है इसका थोड़ा सा काम उल्टा है। उल्टा कैसे है कि ये रेगुलर मोड वाले जो कोर्स है इसका प्रोसेस रिजल्ट से पहले ही हो जाता है, यानी कि बच्चा उधर 12वीं के पेपर देता है, उस पेपर देके वो रिजल्ट का वेट कर रहा होता है, इतने में इसके फॉर्म निकल जाते हैं, और फॉर्म निकल जाते हैं बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद फिर जाके इसके पेपर वगैरह होते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे जो होते हैं वो रिजल्ट का वेट करते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं लग पाता कि जामिया में ये चीजें भी होती हैं, ये बाद में ही पता लगती है लोगों को। तो ये रेगुलर कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंट्रेंस बेस्ड रेगुलर कोर्स कराता है। यानी आप मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो या किसी अन्य सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अप्रैल वगैरह मार्च में, जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे उस टाइम पे ही आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा एंट्रेंस का। एंट्रेंस जब होगा उसे एंट्रेंस आप दोगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, अगर आप पास हो जाते हो तो आपको आपके कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ये तो रेगुलर का वो है प्रोसेस। लेकिन अब रेगुलर की डेट तो जा चुकी है क्योंकि आपको पता है ये रिजल्ट से पहले ही अपना कार्यवाही कर देता है, अब तो इसके एंट्रेंस वगैरह होने वाले हैं, तो इसमें तो इस बार तो नंबर आना नहीं। अब ओपन वाली जो बात है उसके बारे में बता देता हूँ, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इससे अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन में क्या होता है, तो ओपन में ना ये ऑनर्स कोर्स आपको नहीं कराएगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स और पता नहीं कितने ऑनर्स आप सोचते हो वो नहीं कराते। ये एक कोर्स कराता है जिसको बोलते हैं BA जनरल, याद रखें BA जनरल। ये जो BA जनरल कोर्स होता है इसका जामिया का, इसमें क्या होता है कि आपको जैसे हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना अदर यूनिवर्सिटी में, वैसा ही कोर्स होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे मैंने लास्ट में बताया था SOL में बताया था कि वहां पे असाइनमेंट सिस्टम नहीं होता SOL में, बट यहाँ पे आपको असाइनमेंट वगैरह सिस्टम होता है, और जामिया की जो बुक होती है वो बुक भी अच्छी होती है आपके इनके मुकाबले, बाकी के मुकाबले, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह आपको अच्छी मिलेगी, आपको फैसिलिटी जामिया में काफी अच्छी मिलती है। एक तो ये जो सबसे खास बात है जामिया में, जो बेसिक से फॉर्म अगर लेट भी निकले बट इसका जो काम है वो बिल्कुल टाइम पे करते हैं, टाइम टू टाइम अपना काम करते हैं, रिजल्ट वगैरह टाइम पे आ जाता है, और स्टूडेंट को कई सारी सहूलियत मिलती है, और मतलब देखा जाए तो फायदे ही है। अच्छा सिस्टम है जामिया का, क्योंकि मैंने जामिया से खुद BEd कर रखी है, मैंने अपनी जामिया की 2 साल वाली जो BEd की थी, मेरी BEd इतनी जल्दी हो गई मुझे कुछ नहीं पता लग पाया, समझ गए ना, कि मतलब बिल्कुल टाइम पे काम हो गया, बिल्कुल जैसे ही फॉर्म भरा, एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, वो मेरा एंट्रेंस पास हो गया, एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद फिर अपना कोर्स किया, फिर वर्कशॉप वगैरह जो होती है, क्लास वगैरह जो एक दो कुछ होती है वो ली हमने, पेपर हुए, रिजल्ट आया, फिर सेकेंड ईयर में आए, मतलब सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, कुछ नहीं पता लगा। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा जामिया का सिस्टम। तो ये है, इसके अलावा ये अगर MA आप करते हो तो MA इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, HRM, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोल साइंस, एजुकेशन, MA एजुकेशन, बहुत सारे कोर्स कराती है। अगर हम यहाँ पे BA की बात करते हैं तो BEd भी होती है यहाँ से, और BA जनरल भी करते हैं, BCom, BBA, ये सारी चीजें कराते हैं, ठीक है। ऑनर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, और इसके लिए जो ओपन वाले का चांस है आपके पास, ओपन के जो फॉर्म निकलते हैं ये निकलेंगे जुलाई या फिर अगस्त में, जुलाई अगस्त में फॉर्म निकल सकते हैं। आप इसको भरोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, प्रोसेस जो है वो सिंपल है, आपको सीधा वहां पे ऑफलाइन भी आप जाके फॉर्म ले सकते हो, फॉर्म लो, उसमें अपने डिटेल भरो, फोटो वगैरह लगाओ, एड्रेस वगैरह जो भी प्रूफ है वो लगाओ, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल लगाओ, और वहां पे जाके सीधा आपको सबमिट करना है, कुछ टाइम बाद आपको पता लग जाएगा आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। अगर हम फीस की बात करते हैं तो फीस इसकी बाकी कोर्स, बाकी जैसे SOL हो गया,
या फिर दूसरे जो हो जाते हैं उनके मुकाबले इसकी फीस थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी। 7,000 के करीब, 7,100 रुपए के करीब आपको पर ईयर वाली फीस पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है जामिया का कुछ सिस्टम। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ये जामिया है कहाँ पे, जामिया कहाँ पर है। तो ये दिल्ली में है, दिल्ली में। पहले तो गोविंदपुरी वगैरह मेट्रो स्टेशन का यूज करते थे लोग जाने के लिए, लेकिन अब जामिया तक मेट्रो जाने लगी है। तो जामिया जो ये मजेंटा लाइन है, आप मेट्रो की मजेंटा लाइन में अगर कभी गए हो तो वहां पे एक स्टेशन आता है जामिया मिलिया इस्लामिया स्टेशन। उस स्टेशन पे उतरोगे, उतरने से आपको 3-4 मिनट पैदल चलना पड़ता है। टीटीआई नाम का एक टीटीआई, आप किसी से भी टीटीआई पूछोगे तो आपको बता देंगे, वहां पे आपको ये फॉर्म वगैरह मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो, ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, तो आप सीधा, सबसे बढ़िया है कि आप एक बार जामिया घूम आओ, जामिया जाओ और अपने जितने भी क्वेश्चन है आप वहां पे पूछ सकते हो। वहां पे काउंटर है, पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी, कोर्स बता दिया जाएगा, कोर्स की फीस बता दी जाएगी, कब फॉर्म निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे एडमिशन प्रोसेस है, सारी चीज आपको वहां पे बता दी जाएगी। तो ये जामिया का प्रोसेस था। ठीक है, कुछ कोर्सेज के रेगुलर हैं, कुछ कोर्स आप ओपन से भी कर सकते हो। तो रेगुलर वाले तो जा चुके हैं, वो तो अब होंगे नहीं, लेकिन ओपन वाले कोर्स आप अपने बीए वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, सिस्टम अच्छा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे जामिया से रिलेटेड चीजें। ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल ही है सब कुछ। तो आपको ये करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।